हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लातेहार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है DHS लातेहार रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 131 ANM स्टाफ नर्स और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 10,450 रुपये से लेकर 16,564 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका लातेहार झारखंड होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो ANM के लिए 51 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स के लिए 26 वैकेंसी है, ड्रेसर के लिए 2 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन के लिए 11 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट के लिए 22 वैकेंसी है, MTC न्यूट्रिशन काउंसलर्स के लिए 5 वैकेंसी है, जबकि मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 14 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, क्लास 12th डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ANM और स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। वहीं ड्रेसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th और डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है ड्रेसर में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, साथ ही डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। फार्मासिस्ट पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। वहीं MTC न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में या फिर होम साइंस में। अगर बात कर लेते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स से क्लास 12th पास कर रखा है साइंस साइड से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो ANM पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 11,466 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 16,564 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, ड्रेसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 10,450 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 15,661 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 10,450 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं MTC न्यूट्रिशन काउंसलर्स के लिए आपको मिल जाएगी 12,375 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर बात कर लेते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर पोस्ट की, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 15,123 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक है 10 अप्रैल 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST PWD जनरल कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD फीमेल कैंडिडेट्स को 8 साल तक का, वहीं PWD SC ST कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 8 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 3 मई 2023 तक चलेगी। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।